हेलो। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के कुछ फैक्ट के बारे में और राम मंदिर की कुछ विशेष बातें के बारे में। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय हम स्टार्ट करते हैं राम मंदिर के बारे में। सो ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जितनी जोर शोर से इसकी भव्यता चल रही थी। वैसे ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, फिलहाल अभी बनने वाला है। भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर है और ये जो डिज़ाइन है राम मंदिर का, ये डिज़ाइन जो आज आर्किटेक्ट्स जो बनाए हैं सतपुरा परिवार के, ये डिज़ाइन आज से 30 साल पहले भी बना चुके थे। उस समय चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने इस डिज़ाइन को बनाया था 30 साल पहले। तो उस टाइम ये 28,000 स्क्वायर फीट में, मतलब उस डिज़ाइन जो बनाया गया था ये 28,000 स्क्वायर फीट का डिज़ाइन था और इसकी हाइट 161 फीट ऊँची थी। और आज सतपुरा परिवार, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट परिवार है, वो उनका बहुत ही आज मंदिरों बनाने में नाम है। सो उन्होंने आज इसी डिज़ाइन को बनाया है और ये डिज़ाइन अभी जो है, ये इसकी मंदिर की जो हाइट है वो 128 फीट ऊंची मंदिर है और इसकी लंबाई 268 फीट है और इसकी चौड़ाई 140 फीट है। और इस डिज़ाइन में जो राम मंदिर की कहानियाँ हैं, राम जी की जो कहानियाँ हैं उसको दिखाया जाएगा, जैसे उनके दीवारों के लेआउट पे, उनके बचपना, उनकी जन्म, ये सब के बारे में उस पर डिज़ाइन किया जाएगा। आगे है कि इस मंदिर के कुछ दूरी पे टाइम कैप्सूल भी ज़मीन में गाड़े गए हैं। टाइम कैप्सूल मतलब अगर मंदिर के बारे में कुछ प्राचीन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो इसे हम टाइम कैप्सूल से पता कर सकते हैं। यही एक टाइम कैप्सूल होता है और इसमें ईंटें जो है उस पे राम नाम की ईंटें लगाई गई है, वो भी काफ़ी पुरानी पुरानी ईंटें भी है इसमें, 30 साल से पुरानी भी ईंटें हैं। तो इसे हम राम शिला कहते हैं जो कि इसमें उपयोग हुआ है। और इस मंदिर का जो है निर्माण प्राचीन पद्धतियों के हिसाब से ही किया जाएगा, जैसे कि प्राचीन पद्धतियों में होता था लोहा, ये सब का निर्माण नहीं रहता था उसमें लगा हुआ, तो वैसे ही इस राम मंदिर में ना लोहे का उपयोग है और ना स्टील का उपयोग है। इसमें इसमें तांबे, सोने, चांदी और लकड़ी का और वाइट सीमेंट का उपयोग है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा ही है सोने का उपयोग, दरवाज़ा तो लगा ही है। उसके बाद ये अभी इसमें सोने और चांदी की बड़े बड़े योगदान देने वाले ईंट भी दिए हैं, वो भी इसमें लगाया जाएगा। आप बात है कि इसमें जो पत्थर यूज है वो हनुमान जी की जन्मभूमि अंजनी, अंजनी पहाड़ी है ना, तो अंजनी पहाड़ी से पत्थर लाकर इसमें उपयोग किए गए हैं। इसमें सबसे ये है कि इसकी जब नींव डला रही थी तो उस टाइम इस मंदिर के निर्माण में जो मिट्टी का उपयोग है वो 2500 से अधिक जगह का मिट्टी है। एक्चुअली मैं आपको एक्यूरेट बता दूं, 2587 जगह की मिट्टी है, गांवों की मिट्टी है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, झांसी के जो झांसी के महल है उससे भी मिट्टी लाया गया है, स्वर्ण मंदिर उससे भी मिट्टी लाया गया है, और अपना ये हल्दी घाटी उससे भी मिट्टी लाया गया है। ऐसे बहुत सारे जगह से 2587 एक्यूरेट जो जगह है उससे लाया गया है और इसमें इस मंदिर में उस मिट्टी का यूज किया गया है। इसमें स्वच्छ कुंडों से जल भी लाया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब इसका 5 अगस्त को पवित्र समारोह था, यानी कि जब नींव डाला रहा था 5 अगस्त को, तो उसमें 150 पवित्र नदियां से जल लाया गया था शुद्धिकरण के लिए। मैं आपको बता दूं कि 3 समुद्र, 8 नदी और जैतिया हिल्स से भी जल लाया गया था। 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर है उनसे भी यह पानी का लाया गया है। और आपको बता दूं मितांग और मिद्दू नदी से भी पानी लाया गया है। और मैं अब इनकी राम मंदिर जो है वो 2 फ्लोर का बनेगा। फर्स्ट फ्लोर में यानी पहले तल्ले में उनका
पहले तल्ले में उनके है ना सभा, जो वो उनका राज था, राम राज का जो राज्य सभा था, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें वंशी हरपुर गुलाबी बलुआ पत्थर से इसमें निर्माण में लाया जाएगा पहले तल्ले में, जो कि राजस्थान के भरतपुर से एकत्रित करके लाया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 360 खंभे इसमें लगाए जाएंगे, और वो भी नगर शैली के डिजाइन वाले। नगर शैली मतलब जब हम लोग का नगरीय शैली स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो आर्किटेक्ट करते थे वो लोग, वैसे ही डिजाइन के हमें खंभे लगाए जाएंगे। और मैं आपको यही बता दूं कि ये जो मंदिर है वो 97 एकड़ का परिसर है इसका, जो मंदिर का पूरा बाउंड्री मान लीजिए वो 57 एकड़ का है, जिसमें से 10 एकड़ में मंदिर है। और इस मंदिर के चारों मतलब मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे चार और मंदिर बनाए जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस अयोध्या के इस निर्माण की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का कायापलट होने वाला है, जिसके लिए इस विकास परिषद योजना से हमारे मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने के लिए बोला है। और मैं आपको एक सबसे खास बात ये भी बता दूं कि यूपी भूकंप जोन 4 में आता है और अयोध्या भूकंप जोन 3 में आता है। इसको नज़रअंदाज न करते हुए भी यहाँ पे ये बनाया गया है, इसको 8 से 10 भूकंप जोन रोधी मंदिर बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक बार में 10,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। और मैं 10,000 समझ रहे हैं आप, आपको यही पता होगा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस जो कि 65,000 आदमी का कैपेसिटी है। और इस मंदिर में आप जान रहे होंगे ना सूरत में डायमंड बोस अभी नया नया बना है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस है अपने इंडिया में सूरत में यानी गुजरात में, जो कि 6,500 लोगों का वो कैपेसिटी है, 6,500, जबकि इसमें 10,000 श्रद्धालु एक बार में कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अब हमारे देश में हमारे यूपी में अयोध्या में रामराज आने वाला है और हम लोग दीपावली मनाएंगे। और आप भी लोग से उम्मीद है कि आप भी लोग अपने घर में दीपावली मनाएंगे और अपने हिंदुत्व को बचाए रखेंगे। तो थैंक यू, अच्छा लगा है। तो बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप राम के भक्त हैं। आगे